स्वागत है आपका शशि के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं कच्ची कैरी की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए ये हमने 250 ग्राम कच्ची कैरी ली हुई है और लगभग 150 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं कच्ची कैरी की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए इस तरीके ये तीन कैरी हमने पहले से धुलकर साफ करके छील के काट लिया है। अब हम इसको इस तरीके से ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें पीसेंगे इसको डालकर। दो बार में पीसेंगे क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है। तो देखिए इस तरीके हमने कच्ची कैरी को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया है। अब देखिए इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला हुआ है। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और ये कलौंजी डालेंगे थोड़ी सी इसमें हम। और जब ये जीरा सौंफ हमारा चटक जाएगा तो हम इसमें ये कैरी का पेस्ट डाल देंगे। अब हम ये जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ करके डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, मीठा खट्टा मीठा जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। आप गुड़ की जगह चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। अब इसको हम लगभग 20 मिनट तक पकने देंगे। इसमें एक उबाला आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, अभी गैस की फ्लेम हाई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने से इसमें तीखा टेस्ट आएगा, ये चटनी हमारी खट्टी मीठी तीखी सी चटनी बनेगी हमारी ये। अब हम इसको एक उबाल आ जाने देंगे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे। अब देखिए चट्टी पे एक उबाल आ गया है, अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको लगभग 20 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 20 मिनट तक हमने इसको पका लिया है, चटनी हमारी इतनी गाढ़ी हो गई है। ये अभी ठंडी होने पर और भी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो इसको 5 मिनट तक आप और गाढ़ी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे इसी तरीके बंद कर देते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी कच्ची कैरी की खट्टी मीठी चटनी। आप इसको जो है कि अगर आपको ये जो तैर रहा है मसाले सौंफ जीरा, अगर इसका टेस्ट नहीं पसंद है, देखने में जो अगर लगता है कि मुंह में आएगा, तो आप इसको छान सकते हैं छन्नी से, बड़ी छन्नी से। अगर आपको इसी तरीके पसंद है तो आप इसी तरीके स्टोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सौंफ जीरा पसंद नहीं आता है देखने में, इसलिए आप इसको छान कर भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से लेंगे एक बड़ी छन्नी में डालते हुए हम इसको छान लेंगे। और इस तरीके से दबाकर इसको छान लेंगे अच्छे से। और इसके बाद देखिए ये बिल्कुल अच्छी साफ हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। इस तरीके ये सौंफ जीरा रहता है तो बच्चों को देखने में और खाने में नहीं अच्छा लगता है, फ्लेवर तो इसका इसमें आ ही गया है चटनी में, तो इसलिए अब हम इसको छानकर हटा भी सकते हैं। और अगर आपको पसंद है इस तरीके से तो आप इसको डाल भी सकते हैं। इस तरीके दबाते हुए हम सारा छान कर निकाल लेंगे। ये चटनी आप चाट में और पकौड़ों में किसी भी चीज में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। जिस तरीके से हम इमली की चटनी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं मीठी चटनी के रूप में। तो देखिए ये हमने छान दिया है, तो देखिए इस तरीके हमारी तैयार है कच्ची कैरी की खट्टी मीठी चटनी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने चटनी ट्राई किया तो आपकी चटनी कैसी बनी, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी कच्ची कैरी की खट्टी मीठी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।